नमस्कार, मैं आपके दोस्त डॉक्टर अलका गुप्ता। आज हम एक चर्चा करेंगे अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस हमारे देश में लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनको अर्थराइटिस है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अर्थराइटिस होता है। और बहुत बार क्या नाम से हम चेक कराते हैं, अपने खून की जांच कराते हैं, उसमें भी हमारे को अर्थराइटिस नहीं आता है, लेकिन फिर भी लोगों को रहता है, क्योंकि शरीर में जगह जगह पर लोगों को दर्द रहता है। दर्द की शिकायत लोग बहुत करते हैं। अर्थराइटिस के बहुत सारे प्रकार हैं, रूमेटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसे करके करीबन 60 से लेकर 80 प्रकार के वात रोग होते हैं। तो वात रोग में मेन जो सबसे ज़्यादा लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जिस भी आपको मैं जो उपाय बता रही हूँ, ये सभी प्रकार के अर्थराइटिस के लिए है, हर प्रकार के दर्दों के लिए। शरीर में कहीं पर भी अगर आपको दर्द है, दर्द आपका वो चलायमान होता है उसके लिए। अब हम ये जानेंगे कि ये क्यों होता है। तो ये हमारा देश क्योंकि गर्म है, ये जो मैंने आपको बताया वो। फिर दूसरी बात, हम लोग क्या है, पक आहार का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, यानी अनाज का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। उसकी वजह से हमारा जो रक्त होता है वो अम्लधर्मी हो जाता है, यानी एसिडिक हमारा अम्ल हो जाता है। उसकी वजह से रक्त के दूषित होने से हमारे के शरीर में जगह जगह पर दर्द होता है, और वो दर्द हमारा चलता सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि कभी लगता है कमर में दर्द हो रहा है, कभी वो लगता है गर्दन में हो रहा है, इस प्रकार से हमारा दर्द चलता रहता है। और मांस मदिरा का सेवन करना है, आपका अनियमित दिनचर्या है आपकी, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका पेट साफ नहीं होना। पेट नहीं साफ होने की वजह से क्या होता है, पेट में सड़न होती रहती है, क्योंकि हम खाते रहते हैं और पेट ठीक से साफ नहीं होता तो सड़न होती रहती, उसी सड़न की वजह से गैस उत्पन्न होती है, उस गैस की वजह से हमारे को दर्द होता है। ये हो गया हमारे को कि क्यों होता है और उसके हमारे लक्षण हो गए। अब हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। तो नेचुरोपैथी में हम क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार से जो मैं आपको बहुत बार बताया, मैंने आपको दिव्य धारा और अमृत धारा की आपको रेसिपी बताई कि अमृत धारा आपको कैसे बनाना है। ठीक, ये दिव्य धारा है, रामदेव बाबा के यहाँ शॉप में आपको मिल जाता है, वो आप ले आइए। और इसको जब गर्मी का समय है तो इसको तिल के तेल में आप मिला लीजिए। ये जैसे आपका 5 ml है तो 5 ml को 50 ml तिल्ली के तेल में मिला लीजिए, उससे पूरे शरीर की आपको मसाज करना है। और जब हमारा ठंड का समय है तब इसी तेल को आप, इसी अमृत धारा को आप सरसों के तेल में मिला लीजिए, सेम क्वांटिटी है, इससे पूरे शरीर की आपको मसाज करनी है। साथ में आपको भाप स्नान लेना है, पूरे शरीर का भाप स्नान आप लेंगे तो आपको ये फायदा होगा। इस प्रकार से ये हमारा हो गया। और जो ये जिनको ये अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है उनको जरूर से ही आसन करना चाहिए, मतलब शरीर को पूरे टाइम चलायमान रखना चाहिए। लोगों को जब दर्द की शिकायत होती है तो क्या करते हैं, वो बैठ जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं चलेंगे फिरेंगे तो और दर्द होगा। ये एक भ्रामक धारणा है। आप जितना ज़्यादा शरीर को चलाएंगे उतना अच्छा है, तो आप अधिक से अधिक आसन करिए। जितने आसन आप कर सकते हैं, संधि संचालन, हर प्रकार का आप संधि संचालन करिए। और जब आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में आप क्या करेंगे, कपालभाति करिए, भस्त्रिका करिए और अनुलोम विलोम करिए, ये विशेष तौर से आपको करना है, और सूर्य विधि आपको प्राणायाम करना है। ये हो गया आपका एक्यूप्रेशर। अब हम आएंगे एक्यूप्रेशर पर। एक्यूप्रेशर के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, इस प्रकार का ये पेपर टेप है जो मेडिकल में आपको मिल जाता है, ये पेपर टेप ले लीजिए आप। और इस पेपर टेप में इस प्रकार से मेथी के दाने आप लगा लीजिए, और अपनी जो छोटी उंगली है इस प्रकार की उंगली में यहाँ पर ऐसे करके पूरा ग्रीन कलर कर लीजिए। इस प्रकार से आप ग्रीन कलर लगा लेंगे, इस प्रकार से आपको ये ग्रीन कलर में परमानेंट मार्कर है इस प्रकार से, और इसी में आप इस प्रकार की इस पट्टी को ऐसा रैप कर दीजिए और इसको डबल प्रेस, डबल वर्ल्ड कर दीजिए, और रात को लगाकर आप सो जाइए। इस प्रकार से ये हमारा एक्यूप्रेशर हो गया। अब उसके बाद हम आएंगे घरेलू चिकित्सा पर। घरेलू चिकित्सा इतनी बेहतरीन है इसके लिए, ये है हर सिंगार का पेड़। ये हर सिंगार का पेड़ आपको बहुत हमारे देश में मिलता है, और इसकी जो पत्तियाँ, ये इसके जो फूल होते हैं सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, और क्रीम कलर की, इस ऑरेंज कलर की इसकी छोटी छोटी डंडी होती है। इसकी पत्ती को आप ले लीजिए, लगभग 50 ग्राम के करीब पत्ती को ले लीजिए,
और 50 ग्राम पत्ती को आप 1 लीटर पानी में अच्छे से खौला लीजिए, खूब अच्छे से खौला लीजिए। खौलाने के बाद जब 1 लीटर आपका 700 ग्राम हो जाएगा तो वो आपका काढ़ा बन गया। इस काढ़े को आपको सवेरे पीना है, सवेरे पीना है उठने के 2 घंटे बाद। पहले आप कुछ भी नहीं लेंगे और 2 घंटे के बाद आप इसको लेंगे, उसके बाद फिर 2 घंटे तक आप कुछ नहीं लेंगे। ये आपको यदि कम रोग आपका कम है तो आप इसको 21 दिन तक करिए। रोग अगर आपका ज़्यादा है, बहुत पुराना आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो आप इसको लगभग 90 दिन तक आप ज़रूर से करिए। ये एकदम बेहतरीन उपाय है, सिर्फ आप इसको ही करेंगे तो ही आपको फ़ायदा हो जाएगा। और उसके अलावा मैं आपको बहुत सारे काढ़े बताती हूँ जो हम इजी अवेलेबल होते हैं। ये हो सकता है बहुत से लोगों को ये पेड़ आपको ना मिले, हरसिंगार का पेड़ आपको ना मिले। ये है, देखिए इसको लोगों को क्वांटिटी भी मुझसे पूछते हैं कि क्वांटिटी कितनी करनी। पहले मैं आपको क्वांटिटी बता दूं, फिर मैं आपको पाउडर बताऊंगी। ये देखिए 1 चम्मच, 1 चम्मच यानी ये है आपका 5 ग्राम, ये 5 ग्राम है। और इसमें मैंने क्या क्या मिलाया है, इसमें थोड़ी सी मेथी पाउडर है और थोड़ा सा सौंठ पाउडर है, थोड़ी सी काली जीरी है, थोड़ी सी हल्दी है। इसको इस प्रकार से मिला लिया। इसको मिलाने के बाद इसको भी आपको अल्टरनेट आप कर सकते हैं, यदि आप या तो इसको करिए या ये इसको करिए। और तो इसके बाद इसको भी सेम वही है, खाने का प्रोसीजर सबका मेरा सब सेम बताती हूँ मैं, खाने का प्रोसीजर उतना ही रहता है। और साथ में आप एलोवेरा का जूस, आंवले का जूस और गिलोय का, इसका तीनों का मिलाकर आप काढ़ा बना लीजिए। तीनों को अल्टरनेट भी आप ले सकते हैं, गिलोय का काढ़ा बना लीजिए। सिर्फ गिलोय का काढ़ा पियेंगे तो भी आपको अर्थराइटिस में, आपके दर्द में बहुत लाभ होगा। आप इसको करिए, आपको जब फ़ायदा होगा तो आप मुझे ज़रूर से बताइए कि आपको ये फ़ायदा हुआ है आपके दर्दों में। लेकिन बस बहुत ध्यानपूर्वक करना, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई सब कुछ आपको करना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका गुप्ता आपकी दोस्त। आप मेरे वीडियो को इसी प्रकार देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप जितना लाइक करेंगे उतना मेरा उत्साहवर्धन होता रहेगा। आप शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ होगा। धन्यवाद।